एक खबर है सूरत के। सूरत में सूरत मनकर टाइल एसोसिएशन की रविवार का आयोजित समस्या समाधान मीटिंग में बड़ी संख्या में कपड़ा व्यापारी आ रहे हैं। परिस्थिति को समझते हुए नरेंद्र साबू ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि अब जो समय है उससे कपड़ा व्यापारियों को सबक लेकर आगे भविष्य में बहुत ही संभल कर व्यापार करने की जरूरत है, नहीं तो व्यापार की बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। प्रमुख नरेंद्र साबू ने व्यापार आगे कैसे करें इसके बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अनजान तथा नए व्यापारी से व्यापार करने से बचें, व्यापारियों की छटनी करें, डी ग्रेड व्यापारी से व्यापार बंद करके अपना पुराना पेमेंट क्लियर करें, व्यापारियों पर उधार की लिमिट तथा पेमेंट की समय सीमा निश्चित करें तथा अपने कंप्यूटर में लॉक लगवाएं। एजेंट आड़ती का पूरा रेफरेंस निकालने के बाद ही व्यापार करें और अगर हो सके तो लोकल तथा पुराने एजेंट आड़ती से ही व्यापार करें, साथ ही अपने पेमेंट की जवाबदेही की गारंटी भी निश्चित करें। ओवर प्रोडक्शन से बचें। माल लेने वाले व्यापारी की पूरी जानकारी ऑर्डर फॉर्म पर लिखें और बगैर ऑर्डर के माल नहीं भेजें। व्यापार में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है वह है रिटर्न गुड्स, लेट पेमेंट और दुबता। आप लोगों को बढ़िया व्यापारी और बढ़िया एजेंटों को छोड़कर सब काम नगद में ही करना पड़ेगा, तभी आप लोग टिक पाएंगे। आगे व्यापार में आपको बने रहना है तो बड़े बदलाव बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो व्यापारिक माल बना रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए टेक्सटाइल में नया बहुत कुछ करने को है, उसमें एक्सप्लोर करें। पूरे वर्ल्ड में टेक्सटाइल सूरत से सप्लाई होता है, खाली साड़ी तक सीमित ना रहें। आगे व्यापार बढ़ाने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पकड़ना पड़ेगा। इसके अलावा और भी छोटी छोटी व्यापारिक रीति नीति से अवगत कराया है।